बैक टू द मेथड। जैसा कि UPRTOU और UPRTO BEdSE दोनों के फॉर्म 15 मई के आसपास आ जाएंगे यूनिवर्सिटी से अपडेट। अब स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है, और वो आपको बता पाएगा जो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या जिसने उसमें रैंक लाई हो एक अच्छी, वही बता पाएगा। बाद बाकी क्योंकि इसके पेपर बाहर आते नहीं तो आपको पता ही नहीं कि क्या लेवल है क्या नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ आज रीजनिंग का लेवल। बच्चे धीरे धीरे मुझसे कमेंट करेंगे, सर प्लीज़ जो है इसकी भी बुक लाइए, इसकी भी PDF लाइए, रीजनिंग और आपकी जो CDP है, हिंदी है, इंग्लिश है और GK UPGK, ये 3 से 4 चीज़ें मैं नेक्स्ट PDF में अपनी लाने वाला हूँ। वो इसी कारण से कि आपको एक एक चीज़ समझ के आए तभी आप रैंक ला पाएंगे। बच्चा 130-135 तो ले आता है, 150 के आसपास नहीं घूम पा रहा, 5 से 10 नंबर से उसका फाइनल मेरिट में होना रुक जाता है। उस मेरिट की आप सही अहमियत मुझसे पूछें, मेरी किस रैंक आती, मेरा स्कोर आता है 169, 7 बच्चों का सेम स्कोर था, 14 रैंक वाले के भी मार्क्स 159 ही थे, मेरे मार्क्स 159 थे, 69 ना सुने, ठीक है। तो 159 मार्क्स 7 लोगों के थे, आप समझ सकते हैं कि ऊपर की जब आप स्टेज पर चलते हैं तो कितना तगड़ा कंपटीशन होता है। तो इस बात को थोड़ा सा लाइटली ना लें, 150 के आसपास आएंगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इस बात को समझ लो। और जो हमारी पहली PDF है आपको मैं बता दूं, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, संडे तक 175 रुपये ही रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। बट आपका जो मंडे होगा मैं उसमें 225 रुपये प्राइज इसकी करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को परचेज करना हो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लें संडे तक। पहले आपको पता होगा 125 रुपये स्टार्टिंग में मैंने जब PDF लॉन्च की थी 125 रुपये मात्र रखे थे, अब इसकी हाई डिमांड एंड ओनली वन, ठीक है, मैं ही हूँ जो ये PDF UPRTO का आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जल्दी Unacademy पर ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाली हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, समय रहते मैंने आपको बता दिया, मेरा ये फ़र्ज है, नहीं तो आप कल को कहेंगे सर कल 175 थी और आज 225 हो गई, तो वो फिर आप मुझसे ना कहें, वो टीम का पूरा मैनेजमेंट रहता है, तो वो देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, रीजनिंग में आता क्या है, मैं वो बता देता हूँ। रीजनिंग का जो लेवल है, SSC का आपने एग्जाम दिया होगा, SSC CGL का, जिस बच्चों ने दिया है उनको अच्छी बात, नहीं दिया तो वो समझ लो, तो हाई लेवल की रहती है, ठीक है, एक अच्छी खासी जो नंबर सीरीज आती है वो भी अच्छी आती है, जो आपकी जितनी भी डाइस के सवाल हैं, कैलेंडर के सवाल मेरे में 2 आए थे, ठीक, जो कैलेंडर अक्सर एग्जामों में नहीं पूछा जाता, सिलॉग के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो बच्चे छोड़ देते हैं, क्लॉक का सवाल आता है, मिरर इमेज के क्लॉक में से आया था मुझे याद है। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट और जो आपका ग्रुप सर्किल में जो बच्चे बैठते हैं, न्याय एनिगमा सब आता है भाई, न्याय एनिगमा ये इनइक्वालिटी जरूर नहीं आती, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग का लेवल है आप करें क्या, ये जो टॉपिक्स है मैं खुद छोड़कर चलता हूँ, अगर आप मुझसे अभी कैलेंडर कोई सवाल दे दें नहीं लगेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद दोगे मैं सारे सवाल लगा दूंगा कैलेंडर के, क्योंकि उसका पूरा एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। तो उस ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अभी से देख लें और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाद बाकी मैं खुद जो रीजनिंग की है बुक, मतलब ये जो सारी मैं बनवाऊंगा सेकेंड PDF, उसमें आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा, वो प्रैक्टिस कर लेना तो आपका भला तो हो ही जाना है, ठीक, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी से कहीं पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ सकते हैं जो मैंने टॉपिक्स बताए, बाद बाकी जो आपकी वर्बल है, नॉर्मल वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, तो वो दोनों भी कवर कर लें, ठीक है। ये जो मेन मेन टॉपिक्स इन पर ज़्यादा फोकस करें, इन्हीं पर बच्चे नहीं फोकस करते। मुझे याद है कि मेरे में 2 नंबर के कैलेंडर क्लॉक भी आया था, तो ये सारी जो चीज़ें ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, आपके एग्ज़ाम में जब देखने को मिलेंगी। आप अगर इतना समझ लीजिए रीजनिंग में 45+ नहीं लाते हो तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पार्ट 1 है, 50 मार्क्स की रीजनिंग और 50 मार्क्स की GK, और GK तो और 30 मार्क्स की एज ए सब्जेक्ट में भी है, 80 मार्क्स हो गए दोस्त, 80, 50, 130, 130-200 में से जिसने GK और रीजनिंग अच्छी कर ली उसके 130 मार्क्स का पेपर कवर हो गया, बच्चा तो 70 ही है, CDP का कोई ऐसा कुछ पढ़ना नहीं बहुत ज़्यादा, 40 नंबर की वो 140 और 70, 130 कितने हो गए भाई साहब, 170 कितना आसान है एग्जाम के लिए करना, और हिंदी कर लो खत्म हो गया काम, है ना। तो आसान है, जब आप उसको आसान बनाओगे तो GK की तभी मैंने पहले PDF लॉन्च की क्योंकि 80 मार्क्स का रोल है,
ठीक है, तो वो 80 मार्क्स उससे कवर करो, 50 मार्क्स ये हो गए रीजनिंग के, 130, और जल्दी हमारी जो नेक्स्ट पीडीएफ वो मैं तैयार कर रहा हूँ, काम उस पर चल रहा है, ठीक है, वो आएगी। मेरा ये मानना है कि मैं 15, 17 या 20 मई तक उसको हर हाल में लॉन्च करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे वो आपके सामने आ जाए और वो भी पीडीएफ आप लोग करें, तब तक फॉर्म भी आ जाएंगे, है ना। और जैसे ही फॉर्म भरना चालू होंगे, जैसे फॉर्म की लास्ट डेट होगी, तब तक मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दूंगा, 10 प्रैक्टिस सेट का, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो वो भी आप लोगों को ही परचेज करना पड़ेगा। अब ये तीन चीज़ें जब परचेज कर लेंगे तो आप एक अच्छी तैयारी में आ जाएंगे, जिससे आपका स्कोर 150 बन जाए, क्योंकि आप लोग सरकारी टीचर्स हैं, आज छुट्टी है, संडे फिर छुट्टी है ना, तो ये जो छुट्टियाँ और 20 मई के बाद फिर छुट्टी होनी है, तो ये जो समय मिल रहा है ना आपको, इसी में आप पढ़ाई अपनी अच्छी कर लें और सरकारी नौकरी के साथ बीएड करें, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन वाले हो चाहे नॉर्मल, सिलेबस यही है पूरा, वही रीजनिंग, वही जीएस बीएड में भी है, वही बीएड स्पेशल एजुकेशन में है, बस यहाँ 40 मार्क की सीडीपी आ जाती है, वहाँ 40 मार्क की विकलांगता से क्वेश्चन आ जाते हैं, बस ठीक है। तो मिलते हैं, लोग जुड़े रहिएगा मैं दोस्त, टिल देन टेक केयर, बाय।